वाटरमेलन, सबको पता होगा वाटरमेलन, तरबूज, सीजन चल भी रहा है, आप लोग खाते भी हैं। और बहुत बहुत बचा के रहा करिए, बाहर निकला करिए तो बहुत ही सेफ्टी के साथ निकला करिए डियर लर्नर, ओके। नहीं तो वही कहानी आएगी, तो एक थे टीचर और हम कहेंगे एक थे हमारे स्टूडेंट और आप कहेंगे एक थे टीचर, चलिए कोई बात नहीं। वाटरमेलन इज थॉट, यानी वाटरमेलन जो तरबूज है, इज थॉट, इसे जाना जाता है, समझा जाता है या माना जाता है या सोचा जाता है टू हैव ओरिजिनेटेड, कि ओरिजिनेट हुआ है यानी इसको उत्पन्न किया गया है इन अफ्रीकास कालाहारी डिजर्ट। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, कालाहारी कोई ये रेगिस्तान है उसका नाम है। तो वाटरमेलन मतलब किसी ने कहा कि सबसे पहले तरबूज कहाँ उगाए गए, कहाँ इनकी खेती हुई, कैसे ये आए, तो ये बात ये समझी जाती है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकास कालाहारी डिजर्ट। वाटरमेलन जो तरबूज है, ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में हुई है, मतलब सबसे पहले ये वहीं उत्पन्न हुआ है। बिलीव इट, बिलीव मतलब मानो, इट मतलब इसे, नॉट मतलब नहीं। अरे अक्सर आप लोग नहीं कहते हो बिलीव इट आर नॉट, इसे मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ पे चॉइस की बात है। और आपको पता होगा चॉइस के लिए एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कि अल्टरनेटिव का पार्ट होता है और वो कंजंक्शन होता है आर, ना कंजंक्शन में पढ़ाए भी होंगे जो बच्चे पढ़े होंगे, राम आर श्याम आर कमिंग हियर, तो इसका मतलब या तो राम या तो श्याम, दो में से कोई एक आ रहा है, तो चूज करने वाला जो कंजंक्शन होता है वो आर होता है। तो यहाँ पे आप यही कहना चाहते हैं बिलीव इट आर नॉट, इस चीज को चाहे आप मानिए और चाहे ना मानिए। कहा ये जाता है, माना ये जाता है, जाना ये जाता है, सोचा ये जाता है, समझा ये जाता है कि सबसे पहले जो वाटरमेलन यानी तरबूज की जो उत्पत्ति हुई वो कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका में एक है वहाँ पे हुई। और बिलीव इट आर नॉट, अब आपकी मर्जी, इसे चाहे आप मानिए और चाहे ना मानिए। अगला देखिए, तो आपके पास इफ कंजंक्शन, ये कंडीशनल का पार्ट है, यदि इसकी हिंदी होती ये नहीं आएगा, एंड और का सेंस देता है ये भी नहीं आएगा, बट कंट्राडिक्टरी का सेंस देता है ये भी नहीं आएगा, आर यहाँ पे सिलेक्शन का सेंस देगा चूज में, तो यही आएगा, तो यही लगेगा। फिर कह रहे हैं अच्छा थोड़ा एक मिनट आप लोग आंसर करिए, थोड़ा एक मिनट मैं एक क्या 50 सेकेंड मैं आपको पास करूँ, तो आप थोड़ा आंसर करिए तब मैं एक्सप्लेन करूँ, तो थोड़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़े। सारे बच्चे कमेंट करिए, पहला तो मैंने बता ही दिया, लेकिन दूसरा तीसरा अपने हिसाब से थोड़ा देख के कमेंट करिए। पानी है क्या? देखिए इंक्वायरी भी आ गई, ऑनलाइन बैच की इंक्वायरी भी आजकल बहुत आ रही है, चलिए बाद में बात करते हैं। ठीक, ऑनलाइन बच्चे डिमांड बहुत कर रहे हैं, टाइम का शॉर्टेज है, देखिए क्या होता है। चलिए आप लोग भैया लोग आंसर करो, सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आंसर करो। चलिए डियर लर्नर, बच्चे हमारे बता रहे हैं पहले कड़ी, ब्रिजेश जी बता रहे हैं दूसरे कसी, तीसरे कसी, चौथे कसी, तरबूज वो बना ही के भेज दिया, महान आदमी है। शैली जी दूसरे का प्रोड्यूस, तीसरे का डिपिक्टेड, पूनम जी दूसरे कसी। चलिए देखते हैं आप लोग कितने पानी में हैं, कितना आता जाता है आप लोगों को। चलिए सारे बच्चे पटेल साहब लिख रहे हैं, लीजेंड जी लिख रहे हैं, चलो देखो देखो डियर लर्नर करते हैं। तो वाटर मेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकास कालाहारी डिजर्ट।
वाटरमेलन जो तरबूज है उसे माना जाता है, समझा जाता है कि वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में। बिलीव इट आर नॉट, इसे आप चाहे मानिए या ना मानिए, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन, जो सबसे पहला रिकॉर्डेड वाटरमेलन है जो हार्वेस्ट, जिसकी खेती की गई है, जो ये बात रिकॉर्ड है, नियरली मतलब लगभग 5,000 ईयर्स एगो, 5,000 साल पहले इन इजिप्ट, इजिप्ट मतलब शायद हिंदी में मिस्र बोलते हैं, कोई एक देश है ना वहाँ, एंड इज इन इजिप्टियन, और इसको उगाया किसने था, वही इजिप्ट के लोग यानी वहाँ के मिस्र वासी ना। फिर हायरोग्लाइफिक्स ऑन द वॉल, अच्छा इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है चित्रलेख। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है। पहले कई बार होता था ना, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था, बहुत सारी चित्रकारी ना दीवालों में रहा करती थी। जैसे आपने अशोक का कई स्तंभ वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत सारी बातों को शिलालेख में लिखवा देते थे ना, तो वो कह रहा है कि पहली बार वाटरमेलन वगैरह वहीं देखा गया कि किसी दीवार उबाल में इसकी पेंटिंग वेंटिंग बनी थी, चित्रकारी की गई थी, तो वही इसका मतलब होता है, ऑन द वॉल, दीवार में, ऑफ देयर। अब देखिए दूसरे में आपके पास है कंटेंट का मतलब, तो कोई चीज़ किसी चीज़ में समावेशित हो, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरी सीटों का कंटेंट बड़ा यूनिक है, तो कंटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी चीज़ के अंतर्गत निहित हो, उसे बोलते हैं। डिस्कवर्ड का मतलब खोजना होता है, ऐसी चीज़ को खोजना जो ऑलरेडी पहले से धरती में है लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसीलिए डिस्कवरी चैनल बना है कि बहुत सारे टाइप के जानवर हैं सबको नहीं पता है, तो खोज खोज के वो लोग दिखाते हैं। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा था जो कि ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता था, तो डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। प्रोड्यूस का मतलब कोई चीज़ क्या करना होता है, उत्पन्न करना, कोई चीज़ क्या करना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। तो ये आकड़ का मतलब कोई चीज़ घटित होना या कोई चीज़ होना होना, और प्रोडक्ट की कोई बात तो है नहीं कि आप प्रोड्यूस करोगे, तो इसलिए प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड भी नहीं लगेगा, आकड़ लगेगा। ठीक है, कई बच्चे तो कंफ्यूज भी हो गए होंगे, प्रोड्यूस्ड ही लगाए होंगे। अच्छा थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जो सबसे पहला रिकॉर्डेड वाटरमेलन को उगाया गया था, ये घटना कब घटित हुई थी, ये कब की है, ये आकड़ हुई थी, ये घटना घटित हुई थी लगभग 5,000 साल पहले। तो यहाँ उत्पादित करने की बात नहीं, उत्पादित अगर आप करते तब तो कोई व्यक्ति होता है जिस काम को करता, आप प्रोड्यूस करता, तो ले यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोई बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल सी यहाँ पे जो वर्ब आपको यूज करना है वो आपको ये बताना है कि घटना कब हैपेन हुई थी, घटित हुई थी, तो हैपेन वाली वर्ब आकड़ है, ये अपने आप घटित होती है, और प्रोड्यूस कोई व्यक्ति करेगा तो यहाँ पे तो है ये नहीं है, तो इसलिए ये प्रोड्यूस नहीं लगा। तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जो इसकी पहली खेती हुई थी जिसका रिकॉर्ड अभी भी मिलता है, ये घटना आकर नियरली 5,000 ईयर एगो, ये घटना घटित हुई थी लगभग 5,000 साल पहले इन इजिप्ट, इजिप्ट में ना, इजिप्ट देश में, मिस्र देश में, एंड और इज इन इजिप्टियन, और इसको किसने कुछ किया होगा, किसने किया होगा भाई, इजिप्टियन लोगों ने। अब आप एक बात बताइए कि ये घटना घटित हुई इतने में, और ये घटित किसके द्वारा हुई, कब हुई, इजिप्टियन के द्वारा ना, इन लोगों ने जब थे तब किया गया, तो ये पैसों में बात होगी, तो पैसों में बात होगी, तो आइए देखते हैं। तो डाइवर्टेड, डाइवर्टेड का मतलब तो रास्ता वास्ता डाइवर्ट कर देना, ध्यान डाइवर्ट कर देना यानी मोड़ लेना, ध्यान वगैरह या रास्ते वगैरह को मोड़ना। डायरेक्टेड का मतलब तो कोई चीज़ दिशा निर्देशित करना, हुक्म चलाना, आर्डर देना, ये होता है डायरेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिपिक्टेड का मतलब आप समझते हैं, डिपिक्टेड का मतलब तो डिस्क्राइब करना, वर्णन तो करना, ध्यान से समझिएगा भैया, डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन तो करना होता है लेकिन चित्र के माध्यम से, चित्र वगैरह के माध्यम से जब मैं आपको कुछ समझाऊं वही होता है डिपिक्ट, और पैसों बना है तो इज डिपिक्टेड यानी इसका चित्रित किया गया है, इसे वर्णित किया गया है इजिप्टियन के द्वारा, तो इसलिए सबसे अच्छा वर्ड आपका डिपिक्टेड लगेगा। ऑन द वॉल, दीवालों पर, ऑफ देयर, ऑफ देयर
बिल्डिंग, अपने बिल्डिंगों की दीवालों पे तरबूजे का चित्रण उत्तरण बना के इस चीज को व्याख्या किया गया है। आपके पास ऑप्शन है अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब तो होता है अप्रचलित या पुराना, फैशन वगैरह के लिए लगता है। इल्डरली तो जो बड़ा हो आपसे, ये जो कह रहा मैं बड़े के सेंस में। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, आउटडेटेड का मतलब भी होता है पुराना। तो इन तीनों में आप बताइए क्या लगाएंगे। आप मेरे को बताइए, ये आपके पास ये लगभग लगभग तीन चार ऑप्शन है। अब्सोल्यूट भी लगभग सेम मीनिंग कन्वे करेगा, एंशियंट भी लगभग सेम मीनिंग कन्वे करेगा, आउटडेटेड भी, और काफी हद तक इल्डरली भी बड़े के सेंस में लगता है। अब आप बात को समझिएगा, इलिमिनेट करिएगा तब होगा। इल्डरली तब लगाइएगा जब एज वगैरह में कोई लिविंग क्रिएचर की बात हो, भाई वगैरह ना, ब्लड रिलेशन में कोई आपसे बड़ा हो तो उसके सेंस में यूज करेंगे, तो बिल्डिंग तो भाई हुई है नहीं, तो ये कट गया। अब बात आई आउटडेटेड, तो आउटडेटेड तो एक्सपायरी डेट के लिए लगता है, दवा वगैरह के सेंस में, तो ये आउटडेटेड भी नहीं लगेगा, आउटडेटेड फैशन वगैरह के भी लगता है। अब्सोल्यूट भी पुराना या अप्रचलित, ये टेक्निकल चीज़ों के लिए लगता है, कोई मशीन वगैरह पुरानी हो गई हो या फैशन वगैरह के लिए भी लगता है, तो इसलिए ये भी नहीं लगेगा। पुरानी बिल्डिंग वगैरह के लिए आपने सुना होगा अक्सर एंशियंट बिल्डिंग, आपने सुना होगा एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट बिल्डिंग, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा। बाकी आपको लगेगा कि सब की मीनिंग सेम है, इसीलिए स्पेसिफिक यूजेस वाली मैंने सीरीज आपको बताई भी होगी और समझाया भी होगा। फिर लिखा है दिस फ्रूट, या जो फल है वाटरमेलन, वाज ऑफन प्लेस्ड, अक्सर इसे रखा जाता था द ब्यूरियल टॉम। टॉम मतलब क्या होता है, जब कोई आदमी मर उर जाता था तो उसकी कब्र वगैरह बनाई जाती थी ना, तो वो तो ब्यूरियल दफनाने वगैरह के लिए, दफनाते उमनाते जब थे तो उसके साथ एक तरबूज उजबूज रखते थे। आपकी जब राजा हो जा कोई मरता था तो जब उसकी कब्र वगैरह बनती थी, जब उसको दफनाया जाता था, तो जब उसको दफनाया जाता था तो उसी के साथ तरबूज को भी रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, टू प्रोवाइड, देने के लिए, प्रदान करने के लिए, नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण, क्या होता है पोषण, इन द आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जब आदमी मर जाता था तो उसकी लाइफ को पोषण प्रदान करने के लिए राजा को जब जमीन उमीन में गाड़ा जाता था, दफनाया जाता था, तो उसके साथ तरबूज को भी रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, ताकि उसको पोषण मिल सके, ऐसा उन लोगों का मानना रहा होगा, विचारधारा रही होगी। अब साथ के सेंस में विद लगाइए, ये हमने बताया होगा टुगेदरनेस कंपनी के लिए विधि लगाते हैं। अच्छा, इन तो में होता है, कुछ बच्चे लगा दिए होंगे कब्र के अंदर की बात है, इन लगा दीजिए। तो इन तो भाई सराउंडिंग प्लेस के लिए इन लगता है जब आप स्टैटिक पोजीशन दिखाते हैं, प्रीपोजिशन में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो ये नहीं लगेगा। एलांग तो जब रोड और पटरी वटरी होती तो उसके साथ साथ के सेंस में एलांग लगता है, ये भी नहीं लगेगा। आफ्टर बाद के सेंस में लगता है, टाइम पीरियड में, ये भी नहीं लगेगा। कहने का ये मतलब है कि राजा के साथ उसे रखा जाता था, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका विद होगा। तो पहले में हम लोगों ने चूज करने के लिए आर लगाया, दूसरे में घटना ऑटोमेटिक हैपन हुई थी तो हैपनिंग वो आकर लगाया, तीसरे में दीवारों में चित्रित करके व्याख्या करने की बात है, डिपिक्टेड लगाया, और चौथे में बिल्डिंग की बात थी तो बिल्डिंग वगैरह के लिए, प्राचीन के लिए एंशिएंट लगाते हैं, एंशिएंट लगाया, पांचवे में टुगेदरनेस की बात थी तो प्रीपोजिशन विद लगाया। आप देख रहे हैं ऐसा कोई क्लोज टेस्ट नहीं है जिसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, इसीलिए बहुत डिटेल में मैंने प्रीपोजिशन वाली सीरीज स्टार्ट की है। अभी तक प्रीपोजिशन खत्म भी नहीं हुआ है, प्रीपोजिशन का अभी मैं 20% नहीं कम्प्लीट कराया हूँ, और उसमें देखिए 10 या 12 वीडियोज कम्प्लीट हो गए होंगे। हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बनवा रखी है, प्लेलिस्ट हर चीज़ की बनी है, उसमें जा जा के एक एक वीडियो सब देख डालिए, कोई भी मिस आपसे होने ना पाए। तो मुझे बताइए कि ये पैसे समझ आया कि नहीं डियर लर्नर, सारे बच्चे बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तीनों क्लोज टेस्ट में कोई तकलीफ तो आपको नहीं आई किसी बच्चे को, और पेड बैच वाले बच्चे हर बहुत ही समय परेशान किए हुए हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, पेंडेमिक बहुत हाई लेवल तक जा चुकी है, थोड़ा मुझे अपनी भी सेफ्टी देखना है, तो मैं 2-4 10 दिन में आपको बता रहा हूँ कि पेड बैच का क्या करना है, क्योंकि इंक्वायरी सच में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो उसके लिए मैं कुछ करता हूँ। और जिन बच्चों से मैंने पैसा लिया है, एडमिशन ऑफलाइन में लिया है, उनकी क्लास ना बाधित हो इसलिए उनकी क्लास कंटिन्यू ली जा रही है। लेकिन माई डियर लर्नर,
ध्यान यही रखिएगा कि इतना जोखिम उठा के, अब बताइए सारे बच्चे घर जा चुके हैं, टीचर लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, घर वाले भी, अभी मैं गया था घर, घर से आने नहीं दे रहे थे मम्मी लोग, लेकिन किसी तरह से बच बचा के किसी करके आया, यहाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा दिक्कत है। और अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने घर को पलायन कर जाइए और वहाँ अच्छे सामान लगा के घर में बैठ के मम्मी पापा लोगों के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए। और अगर आप पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे तो आप पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ने वाले होंगे तो चाहे जहाँ रहिए नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी ऑफलाइन जब ओपन होगी तो आके ऑफलाइन में अच्छे से पढ़िएगा, ऑनलाइन पढ़ाई आपकी ना बाधित हो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लीजिए, आज हम लोगों के पास 5-6 मिनट बच गया है, तो जो बच्चे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई गिला शिकवा हो तो कर लीजिए। बहुत दिन से हम लोग ऑफलाइन तो मिल नहीं पाए और उम्मीद भी नहीं लग रही कि ऑफलाइन अब मुलाकात होगी कि नहीं, तो थोड़ा कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अपने अपने डाउट पूछना स्टार्ट करिए। और सुबह की क्लास प्रिपोजिशन पढ़िए, सुबह से आप ग्रामर कवरअप करिए और शाम के बैच से आप वोकैब या नॉन ग्रामेटिकल सेगमेंट पूरा करिए, तो इस तरह से आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक? प्रधानी अगली बार देखेंगे, इस बार नहीं, इस बार माहौल देखे हैं ना, ठीक है? तो मन लगा के आप लोग पढ़िए। सर सुबह वाली क्लास नहीं चलती, चली है क्या? चल जाके वीडियो देखिए, सारे वीडियो पढ़े होंगे, बाकी कल से कंटिन्यू क्लास चलेगी। सुबह में रहा करिए आप लोग 6 AM पे लाए और शाम को रहा करिए 8 PM पे लाए, ओके? तो आज की सभा हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, अगली मुलाकात कल सुबह करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।